जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हमें फिलहाल वडोदरा में और आज ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की फास्टेस्ट डबल डेकर एक्सप्रेस में। आप लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, लेकिन ये यात्रा जो है ना सच में काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रेन है एकमात्र ऐसी डबल डेकर है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलती है, और रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा और साथ साथ खूबसूरत नज़ारे। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं वडोदरा से। यहाँ पे जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस आज की है 7:14 पे, और हो सकता है कि आज हम इस ट्रेन को ओवरटेक भी करें क्योंकि हमारे आगे आगे चलने वाली। दोस्तों हमारी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल 7:20 का है, और वो आती है अहमदाबाद वाले रूट से। अहमदाबाद से सुबह 6 बजे डबल डेकर ट्रेन खुलती है, उसके बाद नडियाड और आनंद में रुकते हुए वडोदरा तक 7:20 AM पहुँच जाती है। और वडोदरा इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन क्योंकि एक लाइन अहमदाबाद से आ रही है और दूसरी आ रही है जयपुर कोटा होते हुए लाइन, जिससे आ रही है यहाँ पे जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस, जिसे हो सकता है रास्ते में हम लोग ओवरटेक भी करें। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डबल डेकर एक्सप्रेस 10 कोचेस की है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आपको उसका इंटीरियर वगैरह उसमें दिखाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से कोई डबल डेकर ट्रेन की जर्नी आप लोगों ने देखी नहीं, और ये अपडेट होगी कि फास्टेस्ट डबल डेकर कैसे दिखती है। ये आज की अपनी 2 मंजिला डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसमें लोअर डेक भी होता है और अपर डेक होता है। हमारा लास्ट का कोच है C10, चलिए जल्दी से चला जाए। तो भाई डबल डेकर कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन, एक अपर डेक जाने का, एक लोअर डेक जाने का। तो हमारी सीट आज लोअर डेक में है। डबल डेकर में सबसे बड़ा इशू होता है ट्रॉली बैग नहीं रख सकते, बैकपैक तो घुस जाएगा कैसे भी। एक काम करो, अभी ये सीट खाली इसी में लगा दो, कोई आएगा तो हटा लेंगे। अच्छी बात है कि अपना कोच खाली आपको इंटीरियर दिखा पा रहे हैं। हाँ यहाँ पे होगा, एक बार देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे स्पेस है काफ़ी, तो भाई जो एंट्री के पास वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, इसमें रख दो। यहाँ हम लोग थोड़े से डिले के साथ चल चुके हैं वडोदरा जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटती है डबल डेकर एक्सप्रेस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए प्लेटफॉर्म कितना क्लोज लगता है जब ट्रेन निकलती है रेलवे स्टेशन से, और ये वडोदरा जंक्शन से हम लोग निकले जस्ट। और यहाँ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं भुज दादर सयाजी नगरी को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रीलेवल बाई एन अकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इंडिया का पहला ऐसा हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिंपल से टेस्ट दे करके बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल से टेस्ट को देना है, जिसे देने के लिए आपको किसी रेज्यूमे की जरूरत नहीं है, किसी स्किल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको 1000 में 500 मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं आप बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे क्रेडिट, पेटीएम, ओला, स्नैपडील, इन सभी में काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि रीलेवल इन सभी टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए आपसे 1 रुपये भी नहीं लेता है, ये सभी आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप में स्किल्स है तो आप जॉब्स इजीली पा सकते हैं। और ये 10 टेस्ट से आप सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इन सभी रोल्स के लिए हायर हो सकते हैं। इसके साथ आप अपनी टेस्ट डेट को खुद ही डिसाइड कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए आपको किसी लाइन में नहीं लगना है, घर बैठे बैठे आपको इंटरव्यू देना है, यानी आप अपनी ड्रीम जॉब को घर बैठे बैठे पा भी सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और मान लीजिए आप उसे क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक कूल डाउन पीरियड मिलता है, जिसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो।
पर यहाँ पे वैसा नहीं है। री लेवल में आप कितनी भी बार टेस्ट को दे सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट को चूज़ करिए, जितनी बार आप देना चाहते हो उस टेस्ट को दीजिए और क्लियर करिए। और इतना ही नहीं, अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए री लेवल उनको गुडीज़ भी भेजता है, और साथ साथ जो टॉप 3 कैंडिडेट होते हैं ना उनको तो एप्पल के प्रोडक्ट्स जाते हैं। अब तक री लेवल ने 16 करोड़ से ज़्यादा यानी 16 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड किए हैं, और फेब मंथ में तो हर दिन लगभग 15 लाख तक की जॉब्स लोगों को मिली हैं। तो भाई, आप और आपके करियर के बीच में बस एक साइनअप का फासला है, इस करियर अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने, किसी एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं देने, बस एक साइनअप की दूरी है। जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, री लेवल में साइनअप करिए और अपने करियर की ओर बढ़ें। और मेरी तरफ से आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों, लोअर डेक से कुछ ऐसा लगता है, कुछ नज़ारे अपर डेक से भी लिए जाएंगे, ट्राई किया जाएगा ट्रेन का अपर डेक कैसा है। वैसे हमारा जो डबल डेकर एक्सप्रेस है जिसका ट्रेन नंबर 12932 है, ये इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रनिंग डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन्स में से है। 1st लॉन्गेस्ट है विशाखापट्टनम तिरुपति, 2nd LTT मडगांव, 3rd है अपनी मुंबई अहमदाबाद वाली डबल डेकर एक्सप्रेस, और इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने की परमिशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और वो जो रफ्तार का तांडव है वो अब शुरू हो चुका है, ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही है। और क्या है भैया? और पोहा है, उपमा है, ब्रेड ऑमलेट है, वेजिटेबल करी है। चलो एटलेट एक दे दो। चलो रेस का चेक। चलो इस वडोदरा के बाद अपने हम लोग पहले हॉल्ट यानी भरूच जंक्शन पर पहुंचे हैं। दहेज की एक लाइन भी यहाँ जाती है, इसलिए जंक्शन कहा जाता है। भरूच का सिंह दाना काफ़ी फेमस है, और जो अपनी डबल डेकर है वो इस रूट में फेमस है। वैसे यहाँ से बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और पहली बार जहाँ वडोदरा से हम लोग चल रहे हैं वहाँ से तो और भी ज़्यादा। हम सफ़र तेजस, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस, ऐसी किसी भी ट्रेन की कमी नहीं है, और कर्णावती किसी जनशताब्दी से कम नहीं है। बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन होने के बावजूद हमारी ट्रेन को भी बहुत ही वैल्यू मिलती है सूट पे, और यहाँ तक तो मतलब कहीं ट्रेन रुकी भी नहीं है, कहीं स्टॉप नहीं लिया है, धीरे हुई थी लेकिन रुकी नहीं है कहीं, और काफ़ी बढ़िया रफ्तार में निकलती चली आई है। जैसे ही भरूच से डिपार्चर होगा ना, आपको नर्मदा नदी के खूबसूरत दर्शन होने वाले हैं। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। देखिए, कुछ ऐसे बिकते हैं भरूच के स्पेशल सिंगदाने, स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं भरूच से। यहाँ अपनी 2 मंजिला ट्रेन नर्मदा नदी में एंटर कर रही है। बात की जाए ट्रेन के वॉशरूम की, तो ये भी काफ़ी साफ सुथरा है। तो भाई, ट्रेन को वॉशरूम वगैरह की क्लीननेस के लिए भी 10 में 8 रेटिंग। अब ये जो खाना है डबल डेकर की साइड केटरिंग का खाना है,
अब देखते हैं खाने का स्वाद कैसा है। और यहाँ संदीप भाई ने भी काफ़ी कुछ लिया है खाने पीने का, चीज़ सैंडविच और इसमें कटलेट्स है ना, कटलेट हाँ। देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। और अपर डेक से कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इतनी हाइट हमें कुछ एक्स्ट्रा फील हो रही है, सामने से ट्रेन जो गुजर रही है ऐसा लग रहा है हम लोग उसकी छत से पार कर रहे हैं। और यहाँ पे अंकलेश्वर जंक्शन ट्रेन स्किप कर रही है, प्लेटफॉर्म के एकदम बोर्ड की हाइट से हम लोग स्किप कर रहे हैं स्टेशन को। यही कुछ फील है जो मैं आप लोगों को देना चाहता था इस ट्रेन में बैठ के, कि अपर डेक और लोअर डेक से कैसा लगता है, इसलिए भी मैं खाना खाने के लिए अपर डेक पे आ गया। काफ़ी गजब का स्किप था यार, मज़ा आ गया। अब टेस्ट करते हैं भाई ट्रेन की इडली कैसी है। इडली का मज़ा हाथ से खाने में ही है। बिल्कुल फ्रेश एंड सॉफ्ट है और आप बिल्कुल आसानी से इसे ले सकते हो ट्रेन से, और रिकमेंडेड है भाई मेरी तरफ से। स्वाद काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो खाना रिकमेंडेड है। बाकी सूरत में भी देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, वो आपको दिखाएंगे कुछ समय में गाड़ी पहुंचेगी सूरत। और सूरत आने से पहले तापी नदी के भी दर्शन होंगे, तापी माता के भी दर्शन होंगे। मिलता हूँ आप लोगों से सूरत में। दोस्तों ये हैं ट्रेन के कटलेट भाई, हम लोग भी इसे रिव्यू कर लें कि कैसा है इसका स्वाद। कटलेट का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब ठंडे हैं, अगर गर्म होते तो और ज़्यादा स्वाद आता। बाकी कटलेट्स काफ़ी टेस्टी है वैसे। वहाँ पे देखिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस हुई और केवल उसकी छत हम लोग देख पा रहे हैं। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया रेलवे स्टेशन में और ट्रेन के अंदर गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन का यूज़ करें। दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं डायमंड्स के लिए फेमस सिटी सूरत में, और यहाँ इंडियन रेलवेज़ का डायमंड यानी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस जस्ट पार हुई। कैसी लगी अहमदाबाद शताब्दी बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बस क्रॉसिंग नहीं हो पाई क्योंकि हमारी ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन यार बाहर से शताब्दी काफ़ी साफ़ सुथरी थी। अगर आप लोग उसमें जर्नी देखना चाहते हो ना तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो, और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर इस वीडियो में 20,000 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम अहमदाबाद शताब्दी को भी कम्प्लीट लिस्ट में डालेंगे और पूरा भी करेंगे उसको। फिर दोस्तों सूरत में अपना 9:12 का अराइवल था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया, 9:22 पर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। 5 मिनट का हॉल्ट भी है तो अच्छा खासा अपने को समय यहाँ मिल जाएगा। और खाने पीने की चीज़ आपको दिखा देता हूँ स्टेशन में क्या अवेलेबल है। यहाँ गरम गरम वड़ा पाव की तैयारी हो रही है स्टेशन में, साथ में पोहा ब्रेड पकौड़ा सभी चीज़ें आपको स्टेशन में देखने को मिल जाएंगी। और डबल डेकर यहाँ अपनी चमचमाती खड़ी हुई है, काफ़ी कमाल की लग रही है। और मुझे तो दोस्तों नेस्कैफे की लैटे काफ़ी पसंद है, मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर सूरत में। काफ़ी बढ़िया स्वाद है इसका। तो अपनी नेस्कैफे ख़त्म होते होते ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया, ज़्यादा देर खैर यहाँ पे नहीं रुकी है। और दूसरी तरफ आज की है सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस। चार ही प्लेटफॉर्म का सूरत रेलवे स्टेशन है, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ देखने को मिलता है। उधना रेलवे स्टेशन को भी बड़ा बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है वो अब चलने को तैयार है।
दोस्तों यहाँ भी हम लोग उधना जंक्शन स्किप कर रहे हैं। उधना को इसीलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जलगांव वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। देखिए यही लाइन जलगांव भुसावल की ओर निकल जाती है और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मुंबई लाइन की ओर। दोस्तों एक बार फिर से आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ डबल डेकर का। यहाँ से अपर डेक जाने का रास्ता है लोअर डेक का, और बाकी नंबर ऑफ सीट्स 127-54 नंबर जो है वो लोअर डेक में है, एल लिखा हुआ होगा आपकी टिकट में। और बाकी मिडिल डेक में जो कि ये वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है 55-70 नंबर है, और अपर डेक में 71-120, बाकी पैंट्री साइड में 1-6। अगर हमारे बीच में विंडो ना होती प्लेटफॉर्म और मेरा हाथ मतलब आपस में टच हो जाता। और यहाँ हमारी ट्रेन नवसारी रेलवे स्टेशन से निकली है, ट्रेन का यहाँ भी स्टॉप था अच्छा खासा, 2 मिनट रुकी है और निकल भी गई है यहाँ से। और देखिए प्लेटफॉर्म कितना करीब है यार। अच्छा प्लेटफॉर्म में कुछ गंदगी नहीं पड़ी है, वरना मेरे को एकदम काफ़ी करीब से देखने को मिल जाती। एक बात ये भी है कि ट्रैक चेंजर देखने का जो मज़ा है लोअर डेक से वो अपर डेक से नहीं है। यहाँ से ट्रैक से बहुत ही करीब है और ट्रैक साउंड भी मस्त आता है और देखने को भी काफ़ी करीब से मिलते हैं। यहाँ देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, जल्दी आपको तेज़ रफ्तार में फ्रेट ट्रेन्स भी इस रूट में देखने को मिल जाएंगी। मतलब ऐसा जो नज़ारा होता है मुझे काफ़ी कमाल का लगता है, थोड़ा डरावना है पर थ्रिलिंग भी है, जब ट्रेन धीरे है तो और अच्छा लगता है। औरंगा नदी, हम लोग पहुंचने वाले हैं वलसाड। नॉन एसी डबल डेकर का कोच कैसा दिखता है यहाँ आप देख सकते हैं। इस टाइप के कोचेस आपको दो ही ट्रेनों में देखने को मिलेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल हम लोग वलसाड रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, 10:10 का अपना यहाँ पे अराइवल टाइम था और यहाँ 10:22 ऑलमोस्ट हमको हो चुका है। ती रेलवे में दो ही ट्रेनें हैं जो नॉन एसी डबल डेकर एक्सप्रेस हैं, एक है अपनी फ्लाइंग रानी जो मुंबई सूरत के बीच में चलती है, और दूसरी है मुंबई वलसाड फास्ट पैसेंजर जिसमें नॉन एसी डबल डेकर कोचेज लगते हैं। वैसे जो डबल डेकर के जो कोचेज आप देख रहे हो ना, अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। बस एसी डबल डेकर एक्सप्रेस पहली 2011 में हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाई गई थी, और जो अपनी डबल डेकर है इसे 2012 में खोला गया था। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वलसाड अपने केमिकल, पेपर, पल्प, टेक्सटाइल सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, और मतलब एक गुजरात की बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो लोगों को रोज़गार मिलता है ना, ये सब इंडस्ट्रीज़ की वजह से मिलता है, जिस वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। और यहाँ से वापी भी काफ़ी करीब है, कुछ समय पहुँच जाएंगे, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। वापी भी आपको दिखाता हूँ जो कि गुजरात का लास्ट शहर पड़ेगा, उसके बाद महाराष्ट्र एंटर कर लेंगे हम लोग। भाई वलसाड रेलवे स्टेशन में खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सूरत से ज़्यादा बल्कि आपको यहाँ पर वड़ा पाव, खमन वगैरह सभी कुछ स्टेशन में अवेलेबल है।
जब बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल जाएं, ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएं, तो समझ जाइए कि वापी आने वाला है। अब पहुंचने वाले हैं कुछ समय हम लोग भी वापी, और इसका असर आप यहाँ देख सकते हैं इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं वापी। थोड़ा सा डिले हो गया यहाँ आते 18 मिनट का, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, मोस्ट ऑफ द विंबलडन प्लेयर्स, जो भी टेनिस मैच वाले खिलाड़ी समझ लो इंटरनेशनल लेवल के, वो लोग जो टॉवल यूज़ करते हैं ना, वो वापी की बनी होती है। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर है वापी, और साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी कमाल का शहर है, और गुजरात का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, और उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो लग जाएगा। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, मिलता हूँ हम लोग से डिपार्चर पर। 2 ही मिनट ट्रेन हमारी यहाँ रुकी है वापी में, और निकल गए हम लोग तुरंत यहाँ से। अब लगभग 140 किलोमीटर ट्रेन नॉन स्टॉप भागने वाली है, और सीधा बोरीवली में जाकर रुकेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं, और उमरग्राम रोड पे अभी हम लोगों ने ओवरटेक किया जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस को, जो कि सुबह सुबह हमारी ट्रेन के आगे चली थी, और वो भी 130, ये भी 130। मैं तो वेट कर रहा था भाई कब ओवरटेक होगा। बाकी फिलहाल हम लोग गोलवड वाला एरिया पार कर रहे हैं। यहाँ का चीकू काफ़ी फेमस है, आपको दोनों तरफ चीकू के पौधे देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और ट्रेन का जो रन है डबल डेकर का यार काफ़ी मज़ेदार है। अब 130 लगातार चल रही है, और जो लंबी दूरी के लिए नॉन स्टॉप भाग रही है ना, उसमें मज़ा काफ़ी आ रहा है। ओवरटेक्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है, गुड्स को तो बहुत ओवरटेक कर रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेनों की भी लगातार बारी लगी हुई है। और देखिए घोलवड रेलवे स्टेशन भी जैसे हम लोग अभी पार कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया मज़ा आया इस ट्रेन में। चाय कॉफ़ी पानी सभी आपको आपकी सीट में देखने को मिल जाएगा, और जो रन है वो काफ़ी कमाल का है, और बाकी नज़ारे तो हैं ही अच्छे, और तेजस जैसे इसके डोर बंद नहीं होते वो अच्छी बात है। चीकू के पेड़ लगे हुए हैं, तो इन्हीं की मैं बात कर रहा था दोस्तों। दोनों तरफ चीकू के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ का काफ़ी फेमस है, दोनों ही तरफ ये देखने को मिलते हैं पौधे। अभी हम लोग दोस्तों वसई रोड से निकल रहे हैं, और सीआर जाने वाली जो लाइंस है वो यहीं से अलग हो जाती है, मतलब पुणे वाली लाइंस आप कह सकते हो, और साउथ बाउंड जो ट्रेन्स है कोचीवेली त्रिवेंद्रम वाली, वो भी यहीं से अलग होकर के निकल जाती हैं।
दोस्तों हम लोग यहाँ बोरीवली से चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम 12:02 का था, पर थोड़ा सा डिले हो गया हमें, और अभी हम लोग निकल रहे हैं बोरीवली से फाइनली। ट्रेन मेन लाइन पे ही है तो एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। 12:30 हो रहा है, 12:55 का टाइम है ट्रेन का मुंबई सेंट्रल पहुँचने का, और अब भाई बीच में कोई स्टॉप नहीं है ट्रेन का। तो अभी हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। वैसे तो हम लोगों ने इसमें 392 किलोमीटर्स की दूरी तय की है, ट्रेन भाई 492 किलोमीटर्स की दूरी तय करके अहमदाबाद से आ रही है, और यहां तक मुझे इस ट्रेन में काफ़ी मज़ा आया। और अच्छी बात यह है कि अपना जो कोच है पूरा ही खाली था, और हमारे साथ ऐसे भी व्लॉग वाले सौरभ भाई भी जुड़ चुके हैं। हेलो, बोरीवली से ही और संदीप भाई तो हमारे साथ शुरू से ट्रैवल कर ही रहे हैं। हेलो भाई, कैसा रहा आपका डबल डेकर का एक्सपीरियंस? डबल डेकर का एक्सपीरियंस भाई कमाल का था। इसमें सब चीज़ मिल गई, डेक अपर डेक और मिडिल डेक दोनों से, मतलब एक अलग ही व्यू मिलता है, तो काफ़ी मज़ा आया। और एक और रिकमेंडेशन हमारी तरफ से कि खाना पीना घर से लेके चलना चाहो तो चल सकते हो, वैसे ट्रेन में अवेलेबल है, और अच्छा खाना भी था ना वैसे? हाँ, खाना तो ट्रेन में बाकी अच्छा मिल रहा है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पानी वगैरह या ये चीज़ आपको स्टेशन में कलेक्ट करनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत है नहीं ट्रेन में, ओवरऑल कम्फर्टेबल है और भर के चलती है, मेन बात है। मैंने नॉर्मली चेन्नई बैंगलोर डबल डेकर में ट्रैवल किया है, वो काफ़ी खाली चलती है, और इसको मैंने देखा कि पूरी पैक थी, केवल अपना कोच खाली था। और हमारे सौरभ भाई का भी पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम में बैठा था मैं। कैसी थी गाड़ी? अच्छा लग रहा है, लोअर डेक में तो कुछ अलग लग रहा है, बोट में बैठा है एकदम पूरा नीचे नीचे दिख रहा है। ट्रैक चेंजर देखना मजा आएगा, मजा आता है। ट्रैक चेंज होता है हाई स्पीड में, प्लेटफॉर्म गुजरता है तो ऐसा लगता है हाथ बाहर निकालने का मन कर जाएगा, पर अलग एक्सपीरियंस मस्त लग रहा है। तो भाई ओवरऑल कुछ ऐसा ही अपना भी एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं अपनी जर्नी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी ही ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग देखिए मुंबई सेंट्रल में अराइवल।